हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई न्यू अनदर वीडियो। सो गाइज आज के इस क्लास ऑफ क्लान के वीडियो पर हम करने वाले हैं एक ट्यूटोरियल, यानी कि जो रेड आ चुका है क्लास ऑफ क्लान के न्यू अपडेट के बाद वो रेड करके दिखाने वाले हैं हम आप लोगों को। सो गाइज देखते हैं कि जो रेड है वो सबका वो फंडा कैसा रहता है एंड सब कुछ इधर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो गाइज वीडियो में जाने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज आप चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर जरूर सेट कर देना। सो गाइज चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि गाइज आप देख सकते हो मेरे राइट साइड पर है रेड इनको और इधर 5 लिखा हुआ है। वो 5 लिखने का मतलब ये है कि मैं वो 5 टाइम अटैक कर पाऊंगा, यानी कि जैसे वार पर करते हैं 2 टाइम्स तो मैं वहाँ पर 5 टाइम अटैक कर पाऊंगा। एंड यहाँ पर हमारा जो है कि बारबेरियन कैंप है उस पर 3 स्टार कर लिया है हमारे दोस्तों ने, उसके बाद ही हमें कैपिटल पीक पर अटैक करने के लिए परमिशन मिला है। यानी कि जब आप कैपिटल पीक के नीचे जितने भी कैंप है उस पर 100% एजिप्ट नहीं करते हो, अटैक नहीं करते हो, तो आपको कैपिटल पीक पर ताला लगा हुआ होता है। और अगर जब आप 100% अटैक करते हो तो आपको कैपिटल पिक पर अटैक करने के लिए परमिशन मिलता है। एंड गाइस इसलिए मैं कैपिटल पिक पर अटैक करने के लिए गया हूँ, यानी कि मेरे दोस्तों ने, क्लान के दोस्तों ने ऑलरेडी अटैक कर लिए हैं। इतने सारे स्टार है यानी कि परसेंटेज है वो अचीव कर लिए है 67%, और मैं यहाँ पर थोड़ा परसेंटेज दे रहा हूँ, कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास उतना स्ट्रॉन्ग आर्मीज तो नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर कुछ परसेंटेज जो डिस्ट्रॉय करके एनिमी टीम पर डिस्ट्रॉय करके मेरा जो क्लान मेट्स को है उस पर थोड़ा कंट्रीब्यूट करूँगा अपने स्टार लेने के लिए। सो गाइज देखते हैं कि मैं कितना परसेंटेज जो है स्टार यानी कि परसेंटेज वो डैमेज कर सकता हूँ। एंड मैं जितना परसेंटेज अटैक करूँगा वो परसेंटेज वो ओवरऑल डैमेज पर प्लस होता ही जाएगा। यानी कि पहला कितना था 69, शायद 67 था परसेंटेज, तो अभी देखिए 76% हो गया है, यानी कि मैंने 9% डैमेज दिया है इस बेस पर। सो पहला मेरे दोस्तों ने दिया था 67 एंड मैंने 9% दिया, तो 76 टोटल परसेंटेज हुआ डैमेज पर 76 हुआ। सो इस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं किसी भी टाउन पर यानी कि किसी भी विलेज पर। सो गैस इस तरह से मैं अभी 4 अटैक करूंगा, उसके बाद ही मैं हो सकता है कि मैं उस पर वो विलेज पर 3 स्टार अचीव कर सकूँ। एन गैच आप यहां पर क्लान इन्फो पर जाकर देख सकते हैं कि आपने क्लान के मेंबर यानी कि आपने फ्रेंड ने कितने कितने अटैक किया है। यानी कि जब हमें 5 टाइम अटैक करने के लिए मिलता है तो आप हम जब 3 टाइम अटैक करते हैं उसके बाद हमें और एक बोनस मिलता है, यानी कि कुल मिलाकर टोटल हमें 6 अटैक करने को मिलता है। उसमें से सभी लोगों ने 6 अटैक यूज कर लिए है, सिर्फ लकी भैया और मेरे को छोड़ के। सो गैच देख आप इधर देख सकते हो कि मैंने सिर्फ एक ही अटैक किया है, शायद से मैं और 4 यानी कि 5 अटैक कर सकूं, उसके बाद ही वो टाउन पर 3 स्टार ले सकता हूं। एंड गाइस यहां पर देखिए कि अटैक लक पर इतने सारे क्लान है वो एक आपस पर लड़ रहे हैं, उन पर गाइस डिफीटेड हुआ है और हम जो बर्निंग हंट है एक 4 नंबर पर उस पर वार चल रहा है, तो वो सब नीचे वाले तो हार गए हैं। एंड इस पर वो बर्निंग हंट है उस पर कुछ भी यानी कि डिसाइड नहीं हो रहा है, अभी तक हमें 3 स्टार नहीं मरा है, तो वो अभी भी वो पेंडिंग पर है। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो डिफेंस लॉक पर, यहाँ पर हमें 2 क्लान दिख रहे हैं, यानी कि 2 क्लान ने डिफेंस पाया है यानी कि हार गए हैं 2 क्लान। इस तरीके से आप यहाँ पर पूरे के पूरे रेड वीकेंड के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो गाइस इस तरीके से हम अटैक करेंगे और हमें रेड मेडल भी मिलने वाला है एंड वो सब मिलने वाला है वो 2 दिन 20 घंटे के बाद, यानी कि टोटली 3 डेज का वो रेड वीकेंड होता है, तो उसके बाद ही हमें वो सब मिलने वाला है। सो गाइस ऐसा वो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा एंड इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेट कर देना। सो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर।